स्वागत है आप सभी का जी बिजनेस की इस बेहद ही खास सीरीज में, जिसमें हम बात करते हैं आपके निवेश की। यह है इन्वेस्टर्स एजुकेशन सीरीज, जिसमें हम खास तौर पर आपकी मदद करते हैं आपके निवेश में। और इसमें आज हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान है, उमेश कुमार देला, हेड ETF सेल्स, मिराई एसेट इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। मैं हूं आपकी होस्ट स्वाति रायना, और आज हम कोशिश करेंगे आप सभी को बताने की कि कैसे आप हेल्दी पोर्टफोलियो के लिए इक्विटी के अंदर एलोकेशन कर सकते हैं। बेसिकली एक पोर्टफोलियो को सही तरीके से कैसे बनाएं और इक्विटी के अंदर एलोकेशन का सही तरीका क्या हो, इस पर आज हमारी खास चर्चा इस आज के वेबिनार में रहने वाली है। और सबसे पहले उमेश, हम आपका स्वागत करते हैं इस बेहद ही खास इन्वेस्टमेंट एजुकेशन सीरीज में, जिसमें हम हमेशा कोशिश करते हैं निवेशकों को कुछ खास बताने की और सिखाने की आप जैसे एक्सपर्ट्स के द्वारा। सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहती हूँ, जब हम एसेट एलोकेशन की बात करते हैं, अलग अलग एसेट को मैनेज करने का तरीका होता है वो, पर विद इन एसेट एलोकेशन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो कि कई बार शायद हम नजरअंदाज कर देते हैं। इसलिए मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि एसेट एलोकेशन को अगर हम इक्विटी कैटेगरी के लिहाज से देखें, तो विद इन इक्विटी एलोकेशन कितना इंपॉर्टेंट है किसी के पोर्टफोलियो में। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। सो जैसे कि आपने बोला कि एसेट एलोकेशन बहुत ज़रूरी है पोर्टफोलियो के लिए, क्योंकि जैसे हमारी हेल्थ के लिए एक्सरसाइज हो रही है, बाकी सब चीज़ें ज़रूरी होती हैं जिसमें डाइट भी आता है, सिमिलरली पोर्टफोलियो की हेल्थ के लिए भी आपको टाइम टू टाइम रीबैलेंसिंग भी करना पड़ता है और अपना एलोकेशन भी चेंज करना पड़ता है। तो एलोकेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी निवेशक के पोर्टफोलियो का, जिसके अंदर वो, क्योंकि अगर आप मार्केट को देखोगे तो अलग अलग तरीके के इक्विटी के अंदर अंदर ही लार्ज कैप अलग है, मिड कैप अलग है, स्मॉल कैप अलग है, और हर मार्केट के लेवल के अंदर, हर मार्केट के मूवमेंट में डिपेंड अपॉन किस तरीके का सेंटिमेंट है, हर कैटेगरी का रिटर्न अलग अलग होता है। कभी आप देखेंगे लार्ज कैप अच्छा चलता है, कभी आप देखेंगे मिड कैप अच्छा चलता है, कभी स्मॉल कैप अच्छा कर देता है। तो इस पूरी प्रक्रिया के अंदर एक निवेशक को ये देखना होता है कि वो कैसे अपना पोर्टफोलियो उस तरीके से एलोकेट करे कि हर तरीके के मूवमेंट में, जब भी मार्केट का कोई भी एक सेगमेंट अगर बढ़ता है, तो उसके अंदर उसके पोर्टफोलियो को भी उसका लाभ मिले। तो इसलिए उस तरीके से अगर आप देखा जाए कि मिनिमम रिस्क के साथ और एक मैक्सिमम ऑप्टिमम लेवल ऑफ एलोकेशन किसी भी क्लाइंट के पोर्टफोलियो के लिए बहुत ही जरूरी है। और गोइंग हेड जिस तरीके से मार्केट्स मूव कर रहे हैं, जो कि हम जानते हैं सेंटीमेंट पे मूव होता है, उसके अंदर अगर एक अच्छा एलोकेशन किया हुआ है किसी भी क्लाइंट अपने पोर्टफोलियो का, तो उसको वेल्थ क्रिएशन में वो काफी लाभकारी सिद्ध होता है। बिल्कुल उमेश, आपने एसेट एलोकेशन और इनफैक्ट एसेट एलोकेशन विद इन इक्विटी के मायने हमें बताए, और इम्पोर्टेंट डेफिनेटली है, लेकिन इसमें भी मैं आपसे एक बात समझना चाहती हूँ कि पैसिव फंड्स का रोल जब हम इक्विटी एसेट एलोकेशन की बात करते हैं, वो कितना इम्पोर्टेंट है, और उसमें भी फंड ऑफ फंड्स की अगर हम बात करें, तो फंड ऑफ फंड्स का जो एक एलोकेशन होता है किसी के इक्विटी पोर्टफोलियो में, वो किस तरीके से वर्क करता है। देखिए स्वाति, पिछले अगर हम डेकेड की बात करें, तो हमने देखा है कि काफी जो एक्टिवली मैनेज फंड हैं, जिनका काम होता है अल्फा डिलीवर करना क्लाइंट के पोर्टफोलियो में, वो काफी हद तक डिलीवर हुआ भी है, लेकिन पिछले डेकेड में हमने देखा है कि वो एडिशनल अल्फा है जो धीरे 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 करके श्रिंक हो रहा है, और बहुत सारे ऐसे फंड्स हैं जो अपने अंडरलाइंग बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे। जैसे अगर हम लार्ज कैप स्पेस की बात करें, तो पिछले साल में कुछ अराउंड 80% लार्ज कैप फंड ऐसे होंगे जो निफ्टी 50 बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाए, जो कि एक एक्टिवली मैनेज फंड का ऑब्जेक्टिव होता है। उस केस के अंदर आपको फंड ऑफ फंड या पैसिव साइड के अंदर अगर आपको एक्सपोजर मिलता है, तो पैसिव का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है अंडरलाइंग इंडेक्स को रेप्लिकेट करना, यानी कि जैसे जैसे इंडेक्स मूव करेगा उसी तरीके से वो फंड भी मूव करेगा।
तो एक तरीके से इन्वेस्टर को पूरे मार्केट का एक्सपोजर मिलता है। जब भी मार्केट में मूवमेंट होती है किसी पर्टिकुलर स्टॉक में या अंडरलाइंग इंडेक्स के अंदर, तो वो सेम तरीके का मूवमेंट इन्वेस्टर को अपने पोर्टफोलियो में देखने को मिलता है। तो इसलिए पैसिव थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं पोर्टफोलियो के लिए। जहां तक फंड ऑफ फंड का सवाल है, फंड ऑफ फंड में क्या होता है कि एक स्ट्रक्चर बनाया होता है जो जनरली ETF के अंदर इन्वेस्ट करता है, जो फंड ऑफ फंड अदर देन ETF में भी इन्वेस्ट करते हैं। बट सिंस हम पैसिव की बात कर रहे हैं, तो मैं ETF पे बेस्ड फंड ऑफ फंड की बात करना चाहूंगा। तो जो अंडरलाइंग ETFs होते हैं उसके ऊपर एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है, जिससे निवेशक जो ट्रेडिशनली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते आ रहे हैं, उनको एक फंड ऑफ फंड सेम म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म पे ही एक ऑप्शन मिलता है, जिसमें वो सेम वे से ही ETFs के अंदर एक्सपोजर ले सकते हैं, जो कि बहुत ही कम कॉस्ट के ऊपर, कम लागत के ऊपर बने होते हैं। तो इस तरीके से इन्वेस्टर के पूरे पोर्टफोलियो के लिए दोनों चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण। एग्जाम्पल के जरिए हमारे तमाम व्यूअर्स को बता पाए कि ये जो फंड ऑफ फंड्स है किसी के पोर्टफोलियो के लिए क्या एडवांटेज लेकर आता है, क्या एक वैल्यू ऐड करता है। फंड ऑफ फंड के या पैसिव के एडवांटेज की बात करें तो काफी एडवांटेजेस हैं, लेकिन कुछ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण एडवांटेज हैं जो मैं यहाँ पे थोड़े से उनको ब्रीफ करना चाहूंगा। सबसे बड़ा है टैक्सेशन का, क्योंकि जब हम रीबैलेंसिंग की बात करते हैं और अगर इन्वेस्टर, कोई भी निवेशक अपने अपने स्तर पे रीबैलेंसिंग करता है, चाहे स्टॉक्स की या कुछ भी, तो उस पर एक टैक्स इम्प्लीकेशन भी आता है। बट फंड ऑफ फंड में क्या होता है कि जब आप फंड ऑफ फंड बनाते हो और उसको जब फंड मैनेजर अपने लेवल पे रीबैलेंस करता है, तो उसका जो टैक्सेशन का जो इम्पैक्ट आता है वो फंड लेवल पे आता है, ना कि निवेशक को। तो रीबैलेंसिंग का टैक्स इम्प्लीकेशन निवेशक को नहीं, किसी भी तरीके से उसको इफेक्ट नहीं करता है। और दूसरा, बिकॉज अगर आप कोई भी फंड ऑफ फंड एज पर लॉ, अगर कोई भी फंड ऑफ फंड अपने निवेश को ऐसे ETFs में इन्वेस्ट करता है जो कि जिसका मिनिमम 90% ऑफ द जो कॉर्पस आ रहा है फंड का, वो इक्विटी ETF में इन्वेस्ट होता है, तो उस केस में जो ओवरऑल टैक्सेशन भी है वो इक्विटी में कंसिडर होता है। तो एक मिथ है कि फंड ऑफ फंड है तो डेट का टैक्सेशन होगा, लेकिन अगर फंड ऑफ फंड 90% 95% से ज्यादा प्रोसीड्स लिस्टेड ETF में, इक्विटी रिलेटेड ETF में डालता है, तो वो इक्विटी का टैक्सेशन उसको मिलता है। तो ये सबसे बड़ा एक बेनिफिट है। दूसरा है जो फंड मैनेजर रिस्क कह लीजिए या बायसनेस कह लीजिए, क्योंकि एक्टिव फंड्स का ऑब्जेक्टिव होता है आउट परफॉर्म करना बेंचमार्क को, वहाँ फंड मैनेजर अपनी कॉल लेता है कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स पे, कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स पे। यहाँ पे बिकॉज आप एक पैसिव फंड में या ETF में निवेश कर रहे हैं फंड ऑफ फंड के थ्रू, तो वहाँ पे आपको पूरे मार्केट का एक्सपोजर मिलता है, तो कोई इसमें बायसनेस, जो फंड मैनेजर बायसनेस जिसकी हम बात करते हैं, वो यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलती है। एंड और एक और जो इसका एडवांटेज है वो है आपका एसेट एलोकेशन, बिकॉज जैसे फंड ऑफ फंड का मैंने बताया, एक फंड ऑफ फंड मल्टीपल ETFs में इन्वेस्ट कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन उसका क्या ऑब्जेक्टिव के साथ उस फंड ऑफ फंड को बनाया गया है। तो अगर मल्टीपल ETFs में इन्वेस्ट कर रहा है, तो एक फंड ऑफ फंड चूज करने से आपको अंडरलाइंग में 2-3-4 जितने भी ETFs हैं उस फंड के, उनमें एक्सपोजर आपको मिलता है। वो आपके अलग अलग सेगमेंट हो सकते हैं, जैसे कि निफ्टी 50 हो सकता है, सेंसेक्स हो सकता है, या मिड कैप हो सकता है। तो उस तरीके से आपको एक फंड चूज करने से अंडरलाइंग पूरे मार्केट का एक्सपोजर मिलता है। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है कॉस्ट, बिकॉज जैसा कि मैंने बोला कि फंड ऑफ फंड जो है वो ETF पे बेस्ड होते हैं, ETF का कॉस्ट अपने आप में काफी कम होता है, तो कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी फंड ऑफ फंड काफी इफेक्टिव होते हैं क्लाइंट के पोर्टफोलियो में। इफेक्टिवनेस में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर उमेश यहाँ पर जो लोग मानते हैं, जो निवेशक मानते हैं, वो है कि कितना खर्च, कितना लागत लगता है। ये हमें मालूम है कि पैसिव फंड्स की जो पॉपुलैरिटी है उसके पीछे उसकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी है। मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ी और आसान भाषा में लोगों की समझ के लिए बताएं कि क्या वाकई जो कॉस्ट होता है किसी फंड का, जो खर्च है, जो लागत होती है, वो उसकी पॉपुलैरिटी के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन, और फंड ऑफ फंड्स में ये कैसे वर्क करता है। देखिए स्वाती, एक्चुअली अगर हम बात करें किसी भी एक नॉर्मल फंड ऑफ फंड की, तो उनका जो खर्चा होता है, जनरली ये देखा गया है, वो 1.5-2% के आसपास कम खर्चा हो सकता है एक्टिवली मैनेज फंड्स के कंपैरिजन में। अगर मैं 1.5% भी मान के चलूं, और कोई इन्वेस्टर अगर से 5 साल 10 साल या 3 साल जो भी टाइम पीरियड उसके उसके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से, उसके गोल के हिसाब से उसने डिसाइड किया है, और वो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए रुकता है, तो वो जो 1.5% का जो फर्क है, वो आने वाले 3-5 साल के अंदर कंपाउंडिंग इफेक्ट की वजह से काफी बड़ा अमाउंट हो जाता है।
तो जैसे कि अगर हम बात करें, अगर मैं एक एग्जांपल लूं, तो ऑन एन एवरेज अगर आप एक लार्ज कैप फंड खरीदते हैं, एक्टिवली मैनेज लार्ज कैप फंड जो कि रेगुलर प्लान का, तो उसका एवरेज एक्सपेंस रेशियो आता है कुछ अराउंड 2.23% के आसपास। वहीं अगर आप एक FOF खरीदते हैं जो कि डेट, अगर आप जो कि ETF पे बेस्ड है, तो वो आपको डायरेक्ट प्लान के अंदर 14-15 पैसे के आसपास का एक्सपेंस भी आ सकता है, जो कि इंक्लूडिंग अंडरलाइंग ETF के एक्सपेंस को मिला के। तो अगर आप डिफरेंस यहाँ पे देखेंगे, जो एग्जांपल मैंने दिया है, तो वो काफी बड़ा डिफरेंस है, जो जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है इन्वेस्टमेंट का, वैसे वैसे वो कंपाउंडिंग इफेक्ट से बढ़ता जाता है, और कहीं ना कहीं वो इन्वेस्टर के ओवरऑल जो जो रिटर्न इन्वेस्टर ने एक्सपेक्ट किया है, कहीं ना कहीं उसके अंदर वो इम्पैक्ट डालता है। उमेश, ये मैं आपसे बात जानना चाहती हूँ कि क्योंकि बाजार में बहुत सारे फंड्स हैं, ये एक छोटा संसार नहीं है, बहुत बड़ा एक वर्ल्ड है, उसमें भी निवेशकों के लिए कई बार कंफ्यूजन हो जाता है एक सही फंड अपने लिए कैसे चुने। पर अगर हम एक सही फंड और फंड के चुनाव की बात करते हैं, जो कि पैसिव फंड में जिसका एलोकेशन होता है, तो सही पैमाना किन क्राइटेरिया को ध्यान में रखें? एक्चुअली अगर हम पैसिव फंड्स की बात करें या फंड ऑफ फंड की बात करें, काफी तरीके के फंड ऑफ फंड हैं आज मार्केट के अंदर, जिनमें से कुछ आप देखेंगे तो कुछ मार्केट कैप बेस्ड हैं, कुछ सेक्टर्स पे बेस्ड हैं, कुछ फैक्टर्स पे बेस्ड हैं, तो हर तरीके के फंड ऑफ फंड मार्केट में अवेलेबल हैं। किसी भी निवेशक को अगर इस तरीके के फंड ऑफ फंड में अगर अपना निवेश करना है, तो उनको कुछ चीज़ों का खास ही ध्यान रखना चाहिए। खासतौर पर सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि उस निवेशक का ऑब्जेक्टिव क्या है निवेश करने के पीछे, उसका रिस्क एपेटाइट कितना है और उसका गोल क्या है। अगर वो एक गोल के साथ एंटर करता है कि इस पर्टिकुलर गोल के साथ मुझे निवेश करना है इतने टाइम पीरियड के लिए, तो वहां पे वो अकॉर्डिंग टू द नीड वो एक फंड ऑफ फंड को चूज कर सकता है, जिसके अंदर कॉस्ट भी एक उसका रीजन होता है कि उसका ओवरऑल पोर्टफोलियो का कॉस्ट क्या है, और अगर वो फंड ऑफ फंड चूज करता है तो वो उसके ओवरऑल पोर्टफोलियो की कॉस्टिंग को कैसे नीचे ला सकता है, उसके गोल अचीवमेंट में वो कैसे उसको हेल्प कर सकता है। बिकॉज अभी आप देखेंगे ना, तो पैसिव स्पेस में, FOF स्पेस में काफी इनोवेटिव प्रोडक्ट्स हैं, और गोइंग अहेड आप देखेंगे काफी ब्रॉड बेस्ड इंडाइसेस रिलेटेड, अगर आप एक प्लेन वनीला फंड ऑफ फंड की बात करें, जो प्लेन वनीला अंडरलाइंग इंडाइसेस पे अगर है, तो वो भी आपके पोर्टफोलियो को कहीं तक एक बेहतर हेल्थ प्रोवाइड कर सकता है। तो इट विल प्योरली डिपेंड अपॉन क्लाइंट्स ऑब्जेक्टिव और उसका रिस्क एपेटाइट क्या है। जब हम पैसिव फंड्स की, फंड ऑफ फंड्स की बात करते हैं, अप्रॉक्सिमेटली कैसे गोल्स या फिर कितनी अवधि का लक्ष्य किसी का होना चाहिए ऐसे फंड्स में निवेश करने का? मेरा मानना यह है कि अगर आप किसी भी इक्विटी रिलेटेड फंड में जाते हैं, चाहे वो पैसिव है या एक्टिव है, आपका मिनिमम 3-5 साल या उससे ज्यादा का होराइजन तो होना ही चाहिए। बिकॉज हर एक सेगमेंट का या हर एक फंड का या हर एक मार्केट का एक साइकिल होता है, आपको एक पूरा साइकिल देखना चाहिए। तो अमूमन देखा गया कि 5 साल एक मिनिमम अवधि हम देख सकते हैं कि 5 साल और उसके ऊपर की अवधि के साथ अगर आप निवेश करते हैं, और एक जो ऑब्जेक्टिव आपने लिया, सपोज आपने कोई ऑब्जेक्टिव लिया है, लक्ष्य लिया है कि मेरे को आज के 10 साल के बाद अपने बच्चों की पढ़ाई करनी है या उनको कॉलेज में पढ़ाना है, तो आपने अपना टाइम पीरियड डिसाइड कर लिया 10 साल, तो 10 साल की अवधि को ध्यान में रख के आप अपना एक्सपोजर पूरे पोर्टफोलियो का बना सकते हैं, जिसमें आप इक्विटी, डेट और मे बी कुछ पोर्शन आपका कमोडिटी रिलेटेड, जैसे कि गोल्ड, इस तरीके के सबका एक कॉम्बिनेशन बना के अपना पोर्टफोलियो आप डिजाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले होता है कि लक्ष्य कितना दूर है, उस लक्ष्य को पहुंचने में कितना टाइम चाहिए, उस टाइम पीरियड को ध्यान में रख के फिर क्लाइंट को जो है अपने प्रोडक्ट चूज करना चाहिए कि किस तरीके का पोर्टफोलियो है, किस तरीके का प्रोडक्ट इसके इस लक्ष्य को अचीव करने में उसको हेल्प करेगा। जहां तक इक्विटी का सवाल है, इक्विटी रिलेटेड जो फंड्स हैं वो काफी हेल्पफुल होते हैं, लेकिन आप उसके लिए आपकी अवधि जो है वो थोड़ी लंबी होनी चाहिए, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा एक साइकिल होता है, जितने साइकिल्स आप देखेंगे उतना ही आपको आपके रिटर्न्स में जो है वो धीरे धीरे करके बढ़ोतरी होती रहेगी। तो जितना टाइम आप देंगे उतना आपको रिटर्न्स के अंदर बेनिफिट मिलता है। तो प्योरली डिपेंड करता है लक्ष्य कितना है। क्या सूटेबिलिटी भी काफी ज्यादा एक बड़ा फैक्टर है, मतलब कैसे निवेशकों के लिए जो फंड ऑफ फंड्स हैं, पैसिव फंड्स सूटेबल हैं, क्योंकि क्योंकि इतने सारे फंड्स हैं, हर कोई हर किसी फंड में निवेश करे शायद ऐसा पॉसिबल ना हो, पर मैं सूटेबिलिटी फैक्टर पर भी आपसे राय लेना चाहती हूँ। सूटेबिलिटी बहुत
जरूरी है जब भी आप किसी भी और नॉट पैसिव कहीं भी आप जब निवेश करते हैं तो आपको सुटेबिलिटी देखते हो आप उसके अंदर, क्लाइंट का रिस्क एपेटाइट भी देखते हैं, क्लाइंट देखता है कि मैं किस लेवल तक के रिस्क ले सकता हूं। जैसे अगर आप आजकल काफ़ी फॉरेन रिलेटेड फंड हैं या आप इंडिया में भी डालना चाहते हो तो काफ़ी तरीके के फंड्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो सुटेबिलिटी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर आपने बहुत ही रिस्की और बहुत ही वॉलेटाइल अगर किसी फंड में डाल दिया जिसके अंडरलाइंग जो जो ETFs हैं वो किसी सेक्टर बेस्ड हैं, तो हो सकता है वहाँ पे आपके पोर्टफोलियो को वॉलेटिलिटी थोड़ी ज़्यादा हो, और वो वॉलेटिलिटी अगर एज ए क्लाइंट या आपको वो सूट नहीं करती या आपके रिस्क एपेटाइट में वो नहीं आती, आप उतनी वॉलेटिलिटी नहीं सह सकते, तो फिर आपको इस तरीके के प्रोडक्ट से दूर रहना चाहिए। तो वो एक एक सुटेबिलिटी वहाँ पे बहुत ही मायने रखती है फॉर हर तरीके के इन्वेस्टर। जैसे अगर कोई 20-25 साल का निवेशक होगा तो उसका रिस्क एपेटाइट हो सकता है बहुत हाई हो तो वो इस तरीके का प्रोडक्ट ले पाए, लेकिन हो सकता है वहीं कोई अगर रिटायरिंग के पास अगर कोई इन्वेस्टर है तो हो सकता है उसका रिस्क एपेटाइट उस लेवल का नहीं है, तो वो अकॉर्डिंगली वो सुटेबिलिटी को देखते हुए आपको प्रोडक्ट चूज करना चाहिए। रिस्क एपेटाइट और साथ ही साथ आपका लक्ष्य क्या है, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जिसका ध्यान में रखने की भी जरूरत है। अब मार्केट का जो मूड होता है हम देख रहे हैं पिछले कुछ टाइम में, कभी नरम है और कभी गर्म है। मार्केट के मूड के हिसाब से ऐसे फंड्स कैसे वर्क करते हैं? जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा कि जब आप किसी भी फंड में निवेश करते हैं तो वो उसमें अलग अलग तरीके के स्टॉक्स होते हैं, क्योंकि वो इंडेक्स पे बेस्ड होते हैं। अगर आपका इंडेक्स से Nifty 50 है तो वो एक लार्ज कैप कंपनीज को लेके बनाया गया एक इंडेक्स है, जिसमें भारत की टॉप 50 कंपनीज जो मार्केट कैप के बेस्ड पे हैं वो उसमें शामिल होती है। लेकिन कई बार ऐसा ऐसा मूड होता है कि आपको किसी सेक्टर से रिलेटेड न्यूज़ अच्छी आ गई और वो सेक्टर अच्छा चल गया तो हो सकता है सेक्टर रिलेटेड वहाँ पे जो इंडेक्स है वो अच्छा करे। तो इसीलिए हम बोलते हैं जैसे फंड ऑफ फंड जो कि आपको 3 या 4 ETF में निवेश करता है, जो कि आपका ब्रॉडर मार्केट से टॉप 250 या 300 या 500 कंपनीज को कवर करता है, तो वहां पे आपको एक ओवरऑल मार्केट का एक्सपोजर मिलता है। तो वो एक तरीके से आपको मार्केट का मिजाज कैसा भी रहे, गर्म रहे चाहे नरम रहे, लेकिन आपको एक वॉलेटिलिटी जो आपके पोर्टफोलियो में वो कुछ हद तक कम हो जाती है, जो कि किसी भी निवेशक के लिए लंबी अवधि के पीरियड में जाके वो बहुत अच्छी साबित हो सकती है। तो दैट इज वेयर हमारा ये मानना है कि अगर आप मार्केट के उतार चढ़ाव को देख के निवेश करें, उससे बेहतर है कि आप अपने लक्ष्य को देख के, और जब आपको कभी मार्केट में ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि मार्केट का मिजाज थोड़ा सा नरम है और वो नीचे नीचे की तरफ जा रहा है, तो उस टाइम पे अगर आपके पास एक्सेस कुछ कुछ फंड बचता है जो आपको अपने लक्ष्य को अचीव करने के लिए आपने रखा हुआ है, और वहाँ आपको अगर आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वहाँ पे आपको धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा करके मे बी इन टर्म्स ऑफ SIP या किसी और मोड से एंटर होते रहना चाहिए और उन उन अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाना चाहिए। रिटर्न कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमने आमतौर पर निवेशकों को देखा है पास्ट रिटर्न्स के बेसिस पर वो फंड्स का चुनाव करते हैं, पर एज फार एज फंड्स आर कंसर्न, रिटर्न क्या एक क्राइटेरिया है जिसको ध्यान में रखने की जरूरत है? पोर्टफोलियो की बात करते हैं, वेल्थ क्रिएशन की बात करते हैं, तो रिटर्न्स तो कहीं ना कहीं माइंड में दिमाग में रहते हैं, लेकिन पास्ट रिटर्न्स को देख के फंड को डिसाइड करना मैं मानता हूं कि सही तरीका नहीं है, बिकॉज सिर्फ रिटर्न नहीं, उसके अलावा बाकी चीजें भी होती हैं जो जो एक ETF या फंड ऑफ फंड जो ETF पे बेस्ड है उसका सबसे अच्छी जो एक चीज है उसमें वो ये है कि जो इंडेक्स है जिसके ऊपर वो ETF बेस्ड है वो मार्केट में कुछ सालों से पहले से बना हुआ है, तो उसका एक ट्रैक रिकॉर्ड आपको ऑलरेडी दिखता है, आप उसके साइकिल देख सकते हो कि किस टाइम पे इस फंड इस इंडेक्स ने किस तरीके का रिटर्न दिया है, कितना सेंसिटिव है, एंड देन अकॉर्डिंगली, क्योंकि इंडिया जिस स्टेज पे आज हम हैं और जहां हम जाने की सोच रहे हैं एज एन इकोनॉमी, तो आपका मार्केट को यहाँ से इस तरीके की जो बड़ी कंपनीज हैं या कोई स्पेसिफिक सेक्टर्स हैं उनका उनमें वो मूवमेंट होना जरूरी है। तो अगर आपको लगता है आप उस तरीके की रिस्क एपेटाइट रखते हो तो कहीं ना कहीं रिटर्न की बजाय आप ये देखें कि फ्यूचर के अंदर अगर हमें इंडिया को यहाँ पहुँचाना है तो कौन सी ऐसी कंपनीज हैं, कौन से ऐसे ऐसी ऐसे सेक्टर्स हैं जो आपको उस लेवल तक लेके जा सकते हैं। लेकिन प्राइमरीली एज ए निवेशक मेरा ये मानना है कि जो लार्ज कैप कंपनीज हैं वो कहीं ना कहीं आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा होनी चाहिए, क्योंकि वो एक 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 तरीके से बड़ी कंपनीज हैं और उनमें वॉलेटिलिटी भी उतनी नहीं होती है। तो आप रिटर्न की बजाय एक अच्छा फंड अगर आप चूज करते हैं जो फ्यूचरिस्टिक है वो मुझे लगता है ज़्यादा बेहतर तरीका है निवेश करने का देन द हिस्टोरिकली रिटर्न देख के और पास्ट रिटर्न देख के, क्योंकि पास्ट रिटर्न हो चुका है, आगे क्या होगा वो देखना जरूरी है।
सूटेबिलिटी फैक्टर की बात की थी, एक बात दिमाग में आती है जब भी हम निवेशकों की बात करते हैं, जो न्यू इन्वेस्टर होता है, जो बाजार में आना चाहता है, जिसने अभी सोचा नहीं है या अभी सोच रहे हैं, जो इक्विटी बाजार में या फिर म्यूचुअल फंड बाजार में आना चाहते हैं, उनकी सूटेबिलिटी कौन से फंड के हिसाब से रहे? तो एक नए निवेशक के लिए क्या फंड ऑफ फंड्स सही है? मेरा ये मानना, क्योंकि नया निवेशक क्या होता है, उसको पता नहीं होता मार्केट की वॉलिटिलिटी क्या होती है। अगर आप जैसे कोई भी नया निवेशक आके किसी एक स्टॉक को खरीदता है तो उस स्टॉक की वॉलिटिलिटी बहुत ज्यादा होती है। लेकिन वहीं जैसे आप कोई अगर फंड ऑफ फंड खरीदते हैं जो अंडरलाइन ETFs में डालता है, या दो या तीन ETFs में जहां आपने एक ब्रॉडर मार्केट कवर कर लिया है, तो वॉलिटिलिटी भी आपकी कम होती है। और जब आप इन्वेस्टेड रहते हैं तो आपको एक आइडिया हो जाता है कि मार्केट की वॉलिटिलिटी किस लेवल तक जा सकती है, और वो कहीं ना कहीं आपकी वॉलिटिलिटी को से बचाता है आपको कुछ हद तक। और उसके बाद जब एक एक्सपीरियंस हो जाता है निवेशक को, उसको कॉन्फिडेंस आ जाता है या उसको वो आइडिया हो जाता है, वो समझ लेता है मार्केट के साइकिल्स देख के, तो फिर धीरे धीरे फिर वो आगे उससे आगे बढ़ के एक तरीके के सेक्टर फंड या और जो उसको खरीदना है, अब अपने गोल को ध्यान में रख के वो कर सकता है। लेकिन एक नए निवेशक के लिए मैं कहूँगा फंड ऑफ फंड एक अच्छा ऑप्शन है, जो देखा जा सकता है। जब भी वो निवेश करने जाए उसको ये ऑप्शन जरूर एक्सप्लोर करना चाहिए। हमने काफी बेनिफिट्स की यहाँ पर बात की है, पर कुछ ऐसे डाउनसाइड रिस्क्स हर किसी प्रोडक्ट में होते हैं जो निवेशकों के लिए समझने और जानने और भी ज्यादा जरूरी है। तो कुछ ऐसी बातें जिसका ध्यान में रखने की जरूरत है फंड ऑफ फंड्स के लिए? सबसे पहली चीज तो ध्यान रखने की जरूरत यह है कि जिस ETF में उस फंड ऑफ फंड ने पैसा डाला है, अगर ETF पे बेस्ड फंड ऑफ फंड है, तो वो ETF का ट्रैकिंग एरर क्या है, उस ETF का जो जिस इंडेक्स पे वो ETF बना है, वो इंडेक्स कितना प्रभावी है एक तरीके से, अगर कंपनीज को अंदर और बाहर करने में, ऐड करने में या डिलीट करने में, वो किस तरीके का प्रोसेस वो फॉलो करते हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है। तीसरी चीज होती है कि उस ETF का खर्चा कितना है, क्योंकि आखिर में आपको वो खर्चा आप ही को बियर करना है एज ए इन्वेस्टर, तो वो फंड ऑफ फंड में इंक्लूडेड होता है, वो भी कहीं ना कहीं देखना चाहिए। क्योंकि कई बार होता है, हमने देखा है कि मार्केट में कुछ ऐसे भी फंड ऑफ फंड होते हैं या कुछ ऐसे ETFs होते हैं जिनका खुद का खर्चा काफी ज्यादा होता है, जिसकी वजह से कहीं वो जो कम खर्चा देख के निवेशक आता है, तो वो कहीं ना कहीं अगर वो उस चीज को ध्यान में नहीं रखता या देखता नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो एक जो ऑब्जेक्टिव लेके वो आता है कॉस्ट वाला, वो पूरी तरीके से फुलफिल नहीं होता है। और दूसरा होता है ऑब्वियसली आखिर में स्वाति कहीं भी डाले है तो मार्केट, और मार्केट में आपको आप वॉलिटिलिटी कम ज्यादा कर सकते हो, थोड़ा सा कम कर सकते हो डाइवर्सिफाइड फंड में डाल के, लेकिन एंड ऑफ द डे वॉलिटिलिटी तो रहेगी। तो वो वॉलिटिलिटी भी निवेशक को ध्यान में रखनी चाहिए कि किस स्तर की वॉलिटिलिटी है और मेरा रिस्क एपेटाइट क्या है, क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जब भी आप मार्केट के अंदर निवेश करते हैं। तो मेरे ख्याल से ये दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट हैं जो आप कह सकते हो कि अगर आपने टाइमली ध्यान नहीं दिया या कंसिडर नहीं किया, तो वो कहीं ना कहीं आपको आगे जाते हुए ऐसा लग सकता है कि आपने शायद सही कॉल टाइम पे नहीं लिया या वो। तो निवेश करने से पहले इन चीजों को भी समझना चाहिए, कि अगर टाइमली समझ लिया तो शायद ही आपके लिए नेगेटिव ना हो, लेकिन आपने नहीं समझा तो हो सकता है बाद में आपको लगे कि ये मेरे लिए नेगेटिव हो गया। फंड मैनेजर का क्या रोल है इसमें? जो ETF पे बेस्ड है, इनको पैसिव इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट ETF में फंड मैनेजर का नहीं होता है। लेकिन जहां फंड ऑफ फंड की बात आती है, अगर वो फंड ऑफ फंड किसी एल्गो पे बेस्ड है या किसी मॉडल पे बेस्ड है, तो उस मॉडल को बनाने में और उस मॉडल को टाइम टू टाइम देखने में कि वो मॉडल सही चल रहा है, जिस ऑब्जेक्टिव को लेके फंड ऑफ फंड बनाया गया है, अगर वो जैसा कि मैंने बोला रीबैलेंसिंग होती है, तो रीबैलेंसिंग के टाइम और मॉडल के टाइम फंड मैनेजर की रिक्वायरमेंट होती है, और वहाँ इफेक्टिवनेस फंड मैनेजर की आती है। लेकिन उसको एंड ऑफ द डे ये भी उसके माइंड में होता है कि उसको इंडेक्स को बीट ना करके उसको जो अंडरलाइन ETF है उनके अंदर निवेश करके और आपको रीबैलेंसिंग करनी है, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा एडिशनल अल्फा भी मिल जाता है अगर फंड मैनेजर उसको इफेक्टिवली मैनेज कर रहा है। यहाँ पर आखिरी सवाल उमेश आपसे होगा, क्योंकि यहाँ पर हम इन्वेस्टर्स को एजुकेट करने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं रिगार्डिंग फंड ऑफ फंड्स। किसी को अभी जो दर्शक हमें देख रहे हैं, किसी को एक अच्छा फंड ऑफ फंड अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना है, एक बार फिर से मैं चाहती हूँ कि आप रिइटरेट करें कौन से पैरामीटर्स, कौन से क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए अपने पोर्टफोलियो में एक बेहतर एलोकेशन वो कर सकते हैं।
अभी काफ़ी इनोवेशन आ गया है, काफ़ी फंड ऑफ फंड जो ETF पे बेस्ड हैं, क्योंकि ETF जो होता है वो इंडेक्स पे बेस्ड होता है। तो किसी भी निवेशक को कोशिश ये करनी चाहिए, स्पेशली जो पहली बार निवेश कर रहे हैं उनको ये देखना चाहिए कि किस तरीके से उनको एक ब्रॉड बेस इंडेक्स के ऊपर बना हुआ फंड ऑफ फंड अगर मिल जाए और उसके अंदर अगर वो इन्वेस्ट कर पाए, जिसके अंदर आपका जैसे कि मैंने बताया कि टॉप की 200, 300, 250, 500 जिस तरह की का भी उसका एपेटाइट है, उसमें अगर पूरा एक्सपोजर मिल जाए एक ही फंड से, उससे बेहतर कोई कोई मैं कहूँगा अपॉर्चुनिटी नहीं होगी या कोई अच्छा ऑप्शन नहीं होगा। तो वहां से निवेशक को शुरू करना चाहिए और निवेशक को ध्यान में रखना चाहिए कि जो अंडरलाइंग इंडेक्स है या ETFs हैं उस इंडेक्स की वॉलेटिलिटी कितनी है। कोशिश ये रहनी चाहिए कि जितना ज्यादा मार्केट आप कवर कर लो, स्पेशली लार्ज और मिड कैप में, वो ज्यादा बेहतर होगा। और बाद में जैसे जैसे निवेशक को थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाए मार्केट का, तब वो आगे अपनी कॉल ले सकता है। थैंक यू सो मच उमेश, आप हमारे साथ इस बेहद ही खास वेबिनार में शामिल हुए और फंड ऑफ फंड्स पैसिव स्ट्रेटजी के बारे में हमारे तमाम व्यूअर्स को बताया और किस तरीके से आप विद इन एक्विटी एसेट एलोकेशन कर सकते हैं। आई एम श्योर ये काफ़ी ज़्यादा नॉलेज से भरपूर हमारा सेशन रहा जो कि हमारे दर्शकों को काफ़ी पसंद आया होगा। एक बार फिर से आपका धन्यवाद करेंगे उमेश कुमार दैला हमारे साथ इस स्पेशल इन्वेस्टर्स एजुकेशन सीरीज के इस खास एपिसोड में शामिल होने के लिए। जी स्वाति, थैंक यू सो मच फॉर दिस शो, आई होप दिस विल हेल्प द इन्वेस्टर्स। नमस्ते। तो उम्मीद करते हैं आपको ये खास हमारी पेशकश पसंद आई होगी। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट बाजार जोखिमों के अधीन होते हैं। निवेश करने से पहले कृपया स्कीम की जानकारी और दूसरे ऑफर डॉक्यूमेंट ध्यान से पढ़ें।